मुझे Realme 6 परचेस करना है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, Realme 6 लूँ या फिर थोड़ा सा पुराना मॉडल Realme XT ले लूँ। तो गाइज, अगर आपके मन में भी ये सवाल है ना और आप भी कन्फ्यूज हो, तो चलिए आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। किसी तरीके से भी अगर मदद कर पाया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो गाइज, स्टार्ट करता हूँ मैं डिज़ाइन एंड बिल्ड से। दोनों का व्हाइट कलर है मेरे पास और दोनों काफ़ी हद तक एक जैसा ही दिखता है। आप देख सकते हो स्क्रीन में ग्लॉसी बैक, रिफ्लेक्शन, शेप, कर्व, कैमरा बम्प वगैरह वगैरह, साइड पैनल, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है। Realme XT का बैक ग्लास का है और Realme 6 का प्लास्टिक का, लेकिन आपको ग्लास जैसा फील देखने को मिल जाएगा। Realme 6 थोड़ा सा टॉल है और Realme XT थोड़ा सा वाइड यानी चौड़ा है। थिकनेस की बात करूं तो Realme 6 है 8.9 mm थिक और Realme XT है थोड़ा सा स्लिम 8.6 mm का। Realme 6 का वेट आपको 191 ग्राम्स देखने को मिल जाएगा एंड Realme XT 183 ग्राम्स का, यानी स्लिम भी और हल्का भी। Realme XT में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा एंड Realme 6 में राइट साइड में पावर बटन के साथ। बैक साइड से दोनों स्मार्टफोन काफी सिमिलर लगता है, लेकिन फ्रंट साइड से Realme 6 ज्यादा मॉडर्न एंड ज्यादा कूल लगता है। इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा आपको Realme 6 में देखने को मिल जाएगा, दूसरी तरफ Realme XT में वही पुराना ड्यू ड्रॉप नॉच। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पावर बटन राइट साइड पे और वॉल्यूम बटन लेफ्ट साइड पे देखने को मिल जाएगा। दोनों ही काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं एंड गाइस, Realme 6 का जो पावर बटन है इसके साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन में हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, दो सिम कार्ड के साथ एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। गाइस, Realme 6 के पास है 90 हर्ट्ज वाला अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले और साथ में पंच होल कैमरा, काफ़ी कूल लगता है। दूसरी तरफ Realme XT के पास है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, यानी बेटर कलर, ब्राइटर डिस्प्ले, बेटर व्यूइंग एंगल एंड गाइस, आउटडोर विजिबिलिटी एक्सपीरियंस भी आपका ज़्यादा अच्छा होने वाला है Realme XT में और साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी मजा ले सकते हो Realme XT में। तो गाइस, एक तरफ है सुपर एमोलेड पैनल यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और दूसरी तरफ है 90 हर्ट्ज अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, पंच होल कैमरा। आपको क्या चाहिए? डिस्प्ले हो गया तो अब स्पीकर के बारे में भी बात कर लेते हैं। मूवीज के लिए मुझे दोनों ही काफी बढ़िया लगा, दोनों में ही मैंने बहुत सारे शोज देखे यूट्यूब पे और मुझे दोनों ही काफी बढ़िया लगा, लेकिन म्यूजिक के लिए मैं पिक करने वाला हूँ Realme XT। बीट्स, नोट्स वगैरह मुझे Realme XT में ज्यादा बेटर लगा और मार्जिनली लाउडर भी है Realme XT। Life shows in the spoken reels of the movie I ignored. Take down your emotions, feel like I never did before. Life shows in the spoken reels of the movie I ignored. Blue skies on a broken sea and a stuck up on a broken sea and a stuck up on the shore. अब गई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गेमिंग मेरी प्रायोरिटी है, मुझे कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए, Realme XT या Realme 6? तो गाइज, आप लोगों को बता दूं कि Realme 6 का जो प्रोसेसर है ना, MediaTek का Helio G90T, ये गेमिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा ये हीट जनरेट करता है, थोड़ा पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता है Realme XT से अगर इसे कंपेयर करें तो। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। गाइज, मैंने 5.5-6 घंटा लगातार दोनों स्मार्टफोन को यूज़ किया, जिसपे 3.5 घंटा मैंने लगातार पबजी खेला और मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे Realme 6 में देखने को मिला 48 डिग्री और Realme XT में 44 डिग्री, यानी 4 डिग्री ज़्यादा दिखा Realme 6 में। एंड गाइज, 4 डिग्री ज़्यादा बहुत मैटर नहीं करता, मैं आपको बता दूँ बहुत से दूसरे फ़ोन्स में भी मुझे 48-49 डिग्री के आसपास देखने को मिला। गर्मी इतनी ज़्यादा है 48-49 डिग्री आपको देखने को मिल सकता है, तो हीटिंग इशू नहीं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हीट ज़रूर होता है Realme 6। Realme XT यानी Snapdragon 712 जो चिपसेट है ना, ये 10 नैनोमीटर प्रोसेस पे बनाया गया है और Realme 6 यानी Helio G90T से पावर कंज्यूम भी कम करता है और हीट भी कम हमें देखने को मिलता है। बट गाइस, Helio G90T का Cortex A70C CPU कोर जो है ना, ये बेटर और फास्टर है Snapdragon 712 से। अगर आप हार्डकोर गेमर हो ना और गेमिंग के लिए ही आपको स्मार्टफोन चाहिए तो Helio G90T आपके लिए बेटर रहेगा, Realme 6 आप परचेस कर लो। लेकिन अगर आप ओकेजनली गेम खेलते हो, बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं खेलते, तो Realme XT आपके लिए
ज़्यादा बेटर रहेगा, हीट भी कम आपको देखने को मिलेगा और पावर भी कम कंज्यूम होता है Realme XT में। लेकिन Realme XT में अपडेट्स के बाद अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ोन गर्म हो रहा है। वैसे कहीं स्नैपड्रैगन 712 के साथ PUBG या फिर Asphalt 9 जैसे गेम्स का आप मज़ा ले सकते हो, आप काफ़ी इन्जॉय करोगे। लेकिन अगर आपको एक हार्डकोर गेमिंग फ़ोन चाहिए ना, एक सस्ता वाला फ़ोन चाहिए जिसमें आप भरपूर गेम्स का मज़ा ले सकते हो, तो Helio G90T प्रोसेसर आपके लिए, यानी Realme 6 आपके लिए। एक और बात आप लोग को बता दूं कि ऐप ओपनिंग स्पीड भी Realme 6 का Realme XT से काफ़ी क्विक आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइज बैटरी लाइफ, Realme XT में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और Realme 6 में 4300 mAh की। डिस्प्ले Realme 6 का थोड़ा सा बड़ा है 6.67 inches का और Realme XT 6.4 inches का, लेकिन सुपर एमोलेड वाला, यानी बैटरी के लिए ज़्यादा बेटर है सुपर एमोलेड। मैंने एक बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था दोनों स्मार्टफोन के बीच में, उसका रिजल्ट आप लोग को बता दूं कि YouTube पे 4 घंटा वीडियो देखने पे Realme XT में 21% बैटरी ड्रॉप हुआ था और Realme 6 में 22%। 2 घंटा म्यूजिक सुनने में Realme XT में 7% ड्रॉप हुआ था और Realme 6 में 8%। और 3 घंटा PUBG खेलने में जहाँ तक मुझे याद है Realme XT में 50% के आसपास देखने को मिला था ड्रॉप और Realme 6 में तकरीबन 60%। अगर कहीं आप गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हो ना, तब भी 6-7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको आसानी से मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन में, और चार्जिंग भी दोनों में काफ़ी क्विक आपको देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी और चार्जिंग को लेकर आपको कोई भी कंप्लेन नहीं होगा दोनों स्मार्टफोन से। अब गाइस चार्जिंग में Realme 6 विनर है। 30 वॉट का आपको फास्ट चार्जर Realme 6 के साथ देखने को मिल जाएगा डब्बे के अंदर, यानी एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और Realme XT के साथ 20 वॉट का। गाइस आप लोगों को बता दूं Realme 6 जो है 4300 mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसे फुल चार्ज करने में आपको 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लग सकता है, और Realme XT जो कि 4000 mAh के साथ आता है आपको फुल चार्ज करने में लग सकता है 1 घंटा 25 से 30 मिनट। मैंने जो गाइस चार्जिंग टेस्ट किया था उसमें 15 मिनट के आसपास फोन को स्विच ऑफ रखा था, उसके बाद ऑन कर दिया था। तो अगर आप आधा घंटा या 45 मिनट स्विच ऑफ रखोगे तो आपको अलग रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फिंगरप्रिंट मैकेनिज्म दोनों का काफी अलग है, तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे Realme XT का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काफी कूल लगता है, एनिमेशन के साथ बहुत मजा आएगा आपको, और ये एक्यूरेट भी है और क्विक भी। लेकिन Realme 6 बहुत ज़्यादा क्विक है, यानी एकदम आपने टच किया और ये अनलॉक हो गया, बहुत ज़्यादा क्विक है और बहुत एक्यूरेट भी लगा मुझे। अगर इस बात करूँ अगर फेस अनलॉक की ना, तो दोनों ही क्विक है, लेकिन अगर दोनों को आप एक साथ ट्राई करके देखोगे ना, तो Realme 6 आपको ज़्यादा क्विक लगेगा। दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी स्मूथ काफ़ी स्टेबल लगा मुझे, एंड दोनों का जो बेस वेरियंट है ना 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ आता है। दोनों में ही आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड Realme UI देखने को मिल जाएगा। Realme XT आप परचेस करना चाहते हो या Realme 6, मैं आपको बता दूं कि Realme XT के लिए आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वैसे लॉकडाउन से पहले 15000 रुपये का था Realme XT बेस वेरिएंट और Realme 6 जो था वो 13000 रुपये का। अब लॉकडाउन के बाद क्या प्राइस होगा पता नहीं, लेकिन लगभग आपको वही 2000 रुपये का गैप देखने को मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन के बीच में। अब गाइस बात करते हैं कैमरा के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा, मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का और सेल्फी शूटर 16 मेगापिक्सल का। दोनों स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का सेम सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोनों से मैंने कुछ शॉट्स लिया है, अगेंस्ट द लाइट शूटिंग में Realme 6 मुझे बेटर लगा और विद द लाइट शूटिंग में Realme XT। इन शॉर्ट कुछ शॉट्स Realme XT ने बढ़िया लिया और कुछ Realme 6 ने। अगेंस्ट द लाइट में यानी सूरज की रोशनी आपके लेंस पे पड़ रही है, सामने से आ रही है, तो ऐसे शूटिंग के टाइम पे Realme XT में फोकस का मुझे थोड़ा सा इशू दिखा, स्ट्रगल करता हुआ दिखा, एक्सपोजर में प्रॉब्लम दिखा। स्काई का कलर भी ठीक से Realme XT ने कैप्चर नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ Realme 6 काफ़ी इंप्रेसिव लगा ऐसे शॉट्स पे। विद द लाइट में यानी नॉर्मल कंडीशन में रोशनी पीछे से आ रही है, ऐसे सिचुएशन में Realme XT मच बेटर लगा मुझे Realme 6 से। इस Realme का बहुत सारा स्मार्टफोन मैं यूज़ कर चुका हूँ और कलर रिप्रोडक्शन में Realme इतना ज़्यादा नेचुरल नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली जितना भी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है ना, इवन Realme XT में भी पहले से बेटर कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है अपडेट्स के साथ। दोनों ही स्मार्टफोन में गाइस कलर रिप्रोडक्शन का कोई इशू नहीं है, लेकिन वाइड एंगल शॉट्स की अगर बात करूँ ना, तो Realme XT में थोड़ा सा मुझे पंची दिखा, कलर्स थोड़े से विविड लगे, एंड एक्सपोजर का भी थोड़ा सा इशू दिखा Realme XT में वाइड एंगल शॉट्स की अगर बात करें तो। एंड गाइस पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर बात करूँ ना, तो एज डिटेक्शन में दोनों ही स्मार्टफोन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, लेकिन ब्लर इफेक्ट की बात करूँ तो Realme XT मुझे ज़्यादा बेटर लगा। गाइस दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और सेल्फीज़ के लिए मैं पिक करने वाला हूँ Realme XT। स्किन टोन ज़्यादा नेचुरल दिख रहा है, ज़्यादा परफेक्ट फोटो Realme XT क्लिक कर सकता है, शार्पनेस डिटेलिंग वगैरह सब कुछ Realme XT का ज़्यादा बेटर है। कौन सा फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए, Realme XT या फिर Realme 6? कि अगर आपको चाहिए ओवरऑल एक बेटर कैमरा एक्सपीरियंस, तो Realme XT ज़्यादा अच्छा रहेगा।
डिस्प्ले के लिए भी Realme XT आप परचेस कर सकते हो। म्यूजिक एक्सपीरियंस भी Realme XT का ज्यादा बेटर लगा मुझे ओवरऑल, और बिल्ड क्वालिटी भी Realme XT का ज्यादा अच्छा है। एंड गाइस अब बात करता हूँ Realme 6 की। तो Realme 6 में आपको पंचोल कैमरा देखने को मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज वाला अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, जो कि अभी तक आपको इस प्राइसिंग में किसी भी दूसरे स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। गेमिंग के लिए भी Realme 6 ज्यादा बेटर रहेगा। और चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो Realme 6 ज्यादा क्विक है, 15-20 मिनट पहले आपके डिवाइस को चार्ज कर सकता है, और ₹2000 का बचत भी हो जाएगा Realme 6 अगर आप परचेस करते हो तो। जितना भी डेटा मेरे पास अभी तक था, जितना भी एक्सपीरियंस किया था मैंने इन दोनों फोन्स को यूज़ करने के बाद, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप कि मैं आप लोगों की मदद कर पाया हूँ। तो गाइस अगर किसी भी एंगल से मैं मदद कर पाया तो आप लोग भी मदद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।